एस्ट्रोजेनिका ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कोविड-19 टीके को वायरस के नए प्रकार के खिलाफ कारगर बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रही है। जन स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना वायरस के इस नए प्रकार को लेकर चिंतित हैं, जो वायरस को मौजूदा टीकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना सकता है। दवा निर्माता कंपनी ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक इस्तेमाल के लिए आए टीकों में से एक टीका विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड के साथ काम किया। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वह नए टीके को बड़ी मात्रा में कम समय में उत्पाद की उम्मीद करता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि चौथी तिमाही में उसकी शुद्ध आय एक साल पहले के समान तिमाही में 31.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.01 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। वहीं दवाओं की बिक्री भी 11% बढ़कर 7.41 अरब डॉलर हो गई है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।